हे गाइस, सो दिस इज उज्जवल कुमार सेन एंड यू आर वॉचिंग उज्जवल कुमार सेन यूट्यूब चैनल। सो आज का जो वीडियो होगा वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल वीडियो फॉर ऑल द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो बेसिकली हाई फाई ग्रोथ देखना चाहते हैं उनके लिए है, राइट? तो धीरे धीरे हम चलेंगे सेशन में। तो पहले जो हमारे गेस्ट हैं, स्पेशल गेस्ट हैं मैं आई मस्ट से, तो उनका इंट्रोडक्शन पहले सुनते हैं, फिर आपको मजा आएगा। सो सत्यांशु, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। हेलो गाइस, मेरा नाम सत्यांशु है और मैं 2018 का इंजीनियरिंग स्टूडेंट पास आउट हूँ। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर रहा हूँ मैं और अभी मैं माइक्रोसॉफ्ट में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ। एंड माइक्रोसॉफ्ट से पहले मैंने चार कंपनीज में ऑलरेडी काम किया हुआ है, अमेजोन, ZS एसोसिएट्स, अडोबी और अब माइक्रोसॉफ्ट। तो मेरा ये 3 साल का ओवरऑल अराउंड एक्सपीरियंस है और मैं BE मैंने किया है अपना, ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, और अभी मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट में मैं उसके एज्योर डिवीजन में काम कर रहा हूँ। ओके, सो आपका ब्रांच कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग था ना? हाँ ओके जी, ओके, ग्रेट। सो दो सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा जो अक्सर बच्चे पूछते हैं। पहला, आपका स्टार्टिंग सैलरी कितना था? मैंने जब स्टार्ट किया था जॉब तब मेरा करीब 5.5 का साढ़े था। पांच लाख हाँ, सीटीसी था। 5.5 लाख CTC। अब एवरेज में एग्जैक्ट तो नहीं बताओगे, मुझे पता है ना, को मतलब अलाउ नहीं होता एक्चुअली बताना। तो एवरेज सीटीसी अब लगभग कितना है आपका? अभी अराउंड 25+ है। 25+ है। ओके, ये इसलिए पूछ रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर 6 लाख का सैलरी, मतलब बहुत सारे बोलते हैं जो छोटे कॉलेज से पढ़ते हैं या फिर एवरेज कॉलेज से पढ़ते हैं, उनका सैलरी होता है 3.5 लाख के आसपास, राइट? 3.5 लाख 4 लाख उनका सिटी से स्टार्टिंग होता है। तो बोलते हैं सर इससे बढ़िया हम तो मतलब डिलीवरी बॉय का नौकरी कर लेंगे, उधर भी इतना सैलरी मिलता है। लेकिन ये जो ग्रोथ है ना वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद ही मिलता है, ये आपके सामने प्रूफ भी है जो मैंने आपके सामने रख दिया, और ये भी आपको बताएंगे। तो अब हम बात करेंगे कि अगर मान लो कोई बच्चा है, राइट, वो इस तरह का ग्रोथ पाना चाहता है तो क्या करें, आपने क्या किया था, थोड़ा सा रोड मैप बताओ आप, फिर हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर साइंस में एटलीस्ट जहां तक मैं मानता हूँ आपके 3-4 फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं जिस पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। एक तो हो गया आपका डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके टेक्निकल इंटरव्यूज इसी से क्लियर होंगे। दूसरा आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स, जिसमें आपके पूरा फंडामेंटल्स है ऑपरेटिंग सिस्टम्स को लेके। तीसरा फिर आता है आपका ऊप्स कॉन्सेप्ट, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स करके रहता है। तो इसमें आपको जो क्लासेस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन जैसी चीज़ें हैं, ये सब आपको समझ में आनी चाहिए बिकॉज ये सब आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका DBMS होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट, ताकि क्योंकि आप अगर बहुत बड़े डेटा के साथ आप खेल रहे हैं तो आपको उनको लॉग्स पे या डेटाबेसेस में स्टोर करना है, रिट्रीव करना है, तो SQL जैसे लैंग्वेजेस है वो इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा वो डेटाबेस का पकड़ आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि बेसिक्स क्या है, जैसे उसमें 1NF, 2NF, 3NF जैसी चीज़ें हैं और एसेट प्रॉपर्टीज जैसी होती है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। एंड लास्ट आपका आता है नेटवर्किंग, जिसमें आपका इंटरनेट जैसे चल रहा है, आपका वेब ब्राउजर में आप काम कर रहे हो, या कंप्यूटर नेटवर्क्स इन जनरल जैसे क्लाइंट सर्वर जो काम करते हैं वो कैसे काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब कॉलेज में पढ़े थे आप तो आपने एक रोड मैप तो बनाया कि मेरे को ऐसे 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 कंपनी में जाना है, ऐसे मतलब ग्रोथ लेना है, थोड़ा बहुत तो आपने प्लानिंग किया होगा। विदाउट प्लानिंग 3 साल में ऐसे 4-5 कंपनी जंप करके पहुंचना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ऐसे बहुत कम कर पाते हैं, थोड़ा सा एक्सेप्शनल आई मस्ट से दैट। ऐसे मेरे हमारे 100 दोस्तों थे, एक मेरे दोस्त ने ऐसा किया था कि 3 साल में जंप कर करके पहुंच गया, और सारे उसको फिर क्रिटिसाइज भी कर रहे थे कि इतने जल्दी जंप कर रहे हैं कहीं टिक जाए, राइट? लेकिन जो मतलब कुछ बड़े करना चाहते, बड़ा करना चाहते हैं ना, वो फिर टिकते नहीं, वो अपना मतलब निकल जाते हैं आगे, राइट? ओके, सो अब कमिंग टू द पॉइंट, क्योंकि आपने जो प्लानिंग किया था कॉलेज के टाइम में, आपके कॉलेज का कितना रेट करें कॉलेज को, कॉलेज क्या था आपका, मतलब नाम बताना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बता सकते हो नाम कॉलेज का, कॉलेज बता क्या? सकता हूँ, RB कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर, ओके, मतलब कौन से टीयर में पड़ता है, सेकेंड टीयर, थर्ड टीयर? टीयर 2 है, टीयर टीयर टू टू है। कॉलेज है। ओके, मतलब टीयर टू कॉलेज, मतलब आपको अच्छा खासा
इंफ्रा और रिसोर्सेस मिले होंगे, राइट? मतलब इक्विवेलेंट टू एनआईटी बोल सकते हो आराम से, है ना? ओके, हाँ जी, तो मान लो जो टीयर 3 कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आप उनको क्या सलाह दोगे? बिकॉज उनके पास प्रॉब्लम क्या होता है, वही माइंड है लगभग, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, किताबें वही हैं, टीचर भी अगर खास डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन जब हम देखते हैं 10 साल बाद सक्सेस जो रेशियो होता है काफ़ी ज़्यादा ह्यूज गैप होता है, बिकॉज ऑफ एक चीज़ के वजह से, एक्सपोजर के वजह से माइंडसेट बन नहीं पाता है। तो उनको आप क्या सलाह दोगे, कि या फिर क्या उनको आप रोड मैप दोगे ताकि वो ये जो गैप है उसको जंप कर पाए थोड़े से आसान, आसानी आसान तो नहीं बोलूंगा, सिंपल तरीके से। आसान तो कुछ भी होता नहीं है, सब काम करना पड़ता है ना? थोड़ा सा बताओ इसके बारे में, थोड़ा सा बताओ अच्छे से। देखिए, जैसे आप बता रहे थे कि टीयर 1 कॉलेज और टीयर 3 कॉलेज में 10 साल के बाद जो गैप आ जाता है, तो एक तो वो जो टीयर 1 कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनकी अपॉर्चुनिटीज उनको थोड़ी ज्यादा मिलती है, तो उसकी वजह से वो पहले ही थोड़ा रेस में आगे रहते हैं और फिर वो वहां से सिर्फ आगे ही बढ़ जाते हैं। बट अगर आप टीयर 3 कॉलेज में हैं और आपको भी टीयर 1 कॉलेज जैसे लोगों के साथ कंपीट करना है, तो जैसे मैंने अभी 5 सब्जेक्ट्स जो बताए आपको, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, ये तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, बट इसके अलावा एक आपका पैशन होता है कि आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो जो आप अपने इंजीनियरिंग में प्रोजेक्ट्स करते हैं कुछ कुछ, तो एक होता है जो आपके कोर्स में प्रोजेक्ट्स जबरदस्ती वो कराते हैं सिलेबस में, जो किसी को पसंद नहीं होता है, मजा नहीं आता है, बट करना राइट पड़ता है। राइट एक होता है जो आपने एज एन हॉबी किया है, कि आपको कुछ एक लग रहा है कि यार ये एक प्रॉब्लम है मुझे इसको सॉल्व करना है। जैसे ये बहुत आसान हो सकता है, जैसे कि आपको मान लीजिए इंडिया का, जैसे आज इंडिया जीत गई मैच, तो आपको वो देखना है क्रिकेट स्कोर लाइव अपने लैपटॉप पे, ये नहीं कि आप अलग से क्रिक बज या ESPN बजा के देख रहे हैं। तो आपने कोई पाइथन का स्क्रिप्ट लिख दिया एंड उससे आपने अपने डेस्कटॉप पे राइट ऊपर कहीं पे डिस्प्ले करा दिया कि देखिए यहाँ से वो डेटा खींच के ला रहे हैं और वो वहाँ पे दिखा रहा है कि अभी ये स्कोर चल रहा है, ये है, तो वो सारा डेटा आपका पॉपुलेट हो रहा है। तो बहुत सिंपल से आप ऐसे शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे आप कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स पे जा सकते हैं, ओपन सोर्स जो होते हैं प्रोजेक्ट्स हमारे गिटहब पे, आप उन पे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपको आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करती है, बिकॉज जैसे कि जो कि मैं मानता हूँ कि आप अगर इंटरव्यू में आप जब जाते हैं तो आपका रिज्यूमे में आपका क्या है, अगर आप कॉलेज में है या अगर आप बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, तो कंपनी में जो भी रिक्रूटर होते हैं वो तो देखेंगे कि देखो सबने कोर्स तो सेम पढ़ा है, काम भी सब कुछ ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट सेम ही किए हैं, अगर कॉलेज के प्रोजेक्ट्स आप लेके चल रहे हो तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें बच्चों में, तो वो CGPA कट ऑफ रख देते हैं वहाँ पे कि CGPA वाइज का हटा दो। बट अगर आपने कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया है तो ये CGPA कट ऑफ फिर आप पे मायने नहीं रखता है, तो इसीलिए जो आपकी प्रोडक्ट कंपनीज होती हैं वो CGPA कट ऑफ आपका 6 या 7 कर रखती हैं, तो उन्हें ये नहीं चाहिए कि आप एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग हैं, उन्हें ये चाहिए कि आप लॉजिकली स्ट्रांग हो और आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है आपके, वो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के जो क्वेश्चंस है, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग जो आजकल है काफी पॉपुलर है, तो ये कॉलेज पे किसको, कुछ कुछ कॉलेजेस में काफी कल्चर रहता है इसका, तो लोग वहां से सीख लेते हैं, कुछ लोग अपने पैशन पे करते हैं कि यार नहीं मुझे करना है। तो जैसे मेरे भी काफी फ्रेंड्स थे कॉलेज में जिन्होंने ACM ICPC, जो ये हमारा काफी बड़ा कॉन्टेस्ट होता है कॉलेजेस के लिए, तो उसमें पार्टिसिपेट किया था लोगों ने, तो वो भी काफी अच्छे जॉब्स पे हैं। तो क्योंकि टेक्निकल इंटरव्यूज क्लियर करना, तो आपको तो उनको तो चाहिए प्रॉब्लम सॉल्वर्स, तो व्हाट इज दैट एक्स्ट्रा, मतलब आपके पास वो एक्स्ट्रा क्या है जिससे वो आपको देखें, आपको वो परखें, क्योंकि वो आपका रिज्यूमे 10 20 सेकेंड या 30 सेकेंड से ज्यादा नहीं देखते, तो उसमें आपको कुछ एक अलग दिखाना पड़ेगा अपना, क्योंकि वो 100 रिज्यूमेस पढ़ेंगे, तो इसमें आपको कुछ एक अलग रहना पड़ेगा, तो यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। सही बता या रहे तो हो आप। राइट आपका पास एक टैग है कॉलेज का, उस पर आप निकल सकते हो आगे। राइट सही। अच्छा, जैसे आप एक वेबसाइट बताया आपने गिटहब, ऐसे आप कौन कौन से वेबसाइट पर प्रोफाइल रिकमेंड करते हो और वहाँ पर वो अपना प्रोजेक्ट या फिर अपने काम को उसमें आगे बढ़ाएं ताकि उनका प्रोफाइल थोड़ा चमके और उससे भी उनको कुछ ऑफर्स मिल सकते हैं, राइट? तो क्या क्या वेबसाइट मतलब आप रिकमेंड करते हो?
देखिए गिटहब मेरे हिसाब से सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब लोग अपना प्रोजेक्ट्स कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा तो जो वेबसाइट्स मैं बताऊंगा वो तो सारे कॉम्पिटेटिव कोडिंग के लिए हैं या इंटरव्यू प्रेपरेशन के लिए हैं, जैसे लीड कोड हो गया, गीक्स फॉर गीक्स हो गया, आपका हैकर रैंक, हैकर अर्थ हो गए, आपका कोड फोर्सेस, कोड शेफ जैसे वेबसाइट्स हैं, तो इन सब पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। उसमें एक आपको एक सिनेरियो देते हैं, उस सिनेरियो के बेसिस पे आपको कोड लिख के प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। एंड आप जब डे टू डे लाइफ में एज अ डेवलपर काम करते हैं तो आपको जब कुछ प्रॉब्लम्स मिलते हैं तो वो प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं जो आपने पहले किए हैं सॉल्व वो वहाँ पे कहीं पे फिट हो जाते हैं। सो दैट वे आपने वो प्रैक्टिस की होती है, आपका वो लॉजिक बिल्ड हुआ रहता है, तो आप बहुत ईजिली कम मतलब आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं उसका। राइट राइट राइट, सही बता रहे हो। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं सोशल मीडिया पर तो फेक आईडी बना लेते हैं और अपने वहाँ पर दबा दब कुछ भी शेयर करे जा रहे हैं, लेकिन जो काम का है वो नहीं करते हैं। और इसीलिए मैं चाहता कि आप थोड़ा सा काम का चीज़ बता दो कि कौन कौन से वेबसाइट पर उनको थोड़ा काम करना चाहिए अगर उनको फ्यूचर ब्राइट बनाना है। मतलब क्या है, थोड़ा इस पर थोड़ा ध्यान फोकस करना चाहिए। राइट, प्लस टू तो नहीं है कि आपके पास दोबारा मौका मिलेगा, एक बार मौका मिला है कर लो। ग्रेट, सो बहुत अच्छा, ये आपने मतलब वेबसाइट का नाम बता दिया सारा। अब हम बात करेंगे जो इंटरव्यू में पूछा गया था आपको। राइट, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट में इंटरव्यू के टाइम क्या पूछते हैं आपको, क्या ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं? मतलब एचआर की बात करें, टेक्निकल वाला तो आपने बता दिया कि क्या क्या आपको करना है, एचआर राउंड में क्या पूछते हैं आपको, जो एचआर मतलब क्वेश्चन होता है इन जनरल? एचआर राउंड में जनरली आपका बिहेवियरल क्वेश्चन पूछते हैं, नहीं तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि अब आप अगर कॉलेज के फ्रेशर हो तो आपसे बोलेंगे कि अच्छा आपने कोई ग्रुप में प्रोजेक्ट किया है, तो आपने कहा हाँ मैंने किया है, तो उसमें क्या चैलेंजेस आए। अगर आपने कोई काम कर रहे हैं आप, या मान लीजिए आपको कोई एक प्रोजेक्ट बनाना है, उस प्रोजेक्ट का आपका एक तरीका है करने का, आपके फ्रेंड का एक दूसरा तरीका है, आपने कौन सा तरीका फॉलो किया, एंड अगर आपके बीच में जैसे कुछ कुछ लोग भिड़ जाते हैं आपस में कि नहीं यार तेरा तरीका गलत है मेरा तरीका सही है, तो वो आपने कैसे रिजॉल्व किया। जब आप वर्क प्लेस में आएंगे तो ये आपके साथ होगा, आपने कोड एक तरह से लिखा है, आपके सीनियर ने बोला नहीं यार ये तो गलत है इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, और जो मैनेजर होगा मैनेजर बोलेगा कि नहीं यार तुम दोनों गलत हो इसको ऐसे करो, तो आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हो। मतलब उस टाइम वो बेसिकली चेक करते हैं कि आप गुस्से तो नहीं हो रहे हो या फिर आप ओपन तो नहीं हो रहे हो, आप कैसे रिएक्ट करते हो सिचुएशन में, करेक्ट, करेक्ट। उनको डेटा पॉइंट्स चाहिए, क्या आप कल्चरल फिट हो उनकी कंपनी के लिए या नहीं, तो इसके लिए आप लाइक कैसे बातचीत कर रहे हैं, जैसे स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस जैसे क्वेश्चंस वो लोग पूछ लेते हैं, नहीं तो एचआर में तो आजकल कभी कभार वो पजल वजल भी पूछ लेते हैं आपका एप्टीट्यूड चेक करने के लिए, कि आप कितना क्विक थिंकिंग हो, आप लाइक ऑन द फील्ड आप कैसे सोच सकते हो, तो ये सब वो आपका चेक करते हैं। आपको आपको अगर पूछते हैं कोई वीकनेस क्या है तो आप क्या बताते हो इन जनरल, इफ यू वांट टू शेयर, मतलब अगर आप बताना चाहें क्या बोलते हो आप लोग? मतलब आपने तीन जगह पर अच्छे पर इंटरव्यू दिया है, एडोबी, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, तो अगर डेफिनेटली कहीं ना कहीं पूछा हुआ है बिकॉज एक कॉमन क्वेश्चन होता है पूछ लेते हैं सारे, तो क्या आप क्या जवाब देते हो? मैं जनरली ये कहता हूँ कि यार मैं थोड़ा सा लेट बैक एटीट्यूड है मेरा चीजों को लेके, तो जैसे अगर कोई चीज है उसका डेडलाइन आ रहा है तो जब तक डेडलाइन पास नहीं आता तब तक मैं एक्टिव नहीं होता हूँ। मतलब उससे पहले पहले मैं आराम आराम से काम करूंगा, एंड अगर उससे पहले ही काम हो गया तब तो ठीक है अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो फिर मैं लास्ट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग भिड़ के मैं कर दूंगा खत्म, बट मैं काम खत्म कर दूंगा। ओके, मतलब आप थोड़ा नेगेटिव बता दिया और उसमें पॉजिटिव भी है, मैं काम टाइम पे खत्म जरूर करके दूंगा ये, मतलब यहाँ पर इनका इनका जो आंसर है ना, ये जो वीक वाला वीकनेस नहीं है ये आंसर, इनका आंसर है कि मेरा जो वीक पॉइंट है उसको मैं कभी भी कंपनी के लिए वीक पॉइंट बनने नहीं दूंगा, इनके आंसर में वो भी है, ताकि नेगेटिव पॉइंट निकले ना इनके आंसर से। और ऐसे कभी मत बोलो आप कि मेरा कोई वीक पॉइंट है ही नहीं जी, ऐसा होता ही नहीं है, फिर आप वो समझेंगे आप झूठ बोल रहे हो, सिंपल सी बात है, वीक पॉइंट सब में होता है। राइट, ओके ओके, तो आप ऐसे कोई एचआर में क्वेश्चन पूछा गया था जो आपको लगता है, मतलब तीनों कंपनी आपको लगता है कि मैं थोड़ा गलत जवाब दे दिया, ऐसा कुछ क्वेश्चन? एक्चुअली ऐसा कोई क्वेश्चन, मतलब ऐसे तो इंटरव्यूज में काफी सारे क्वेश्चंस रहते हैं जिनका लगता है कि यार इसका आंसर शायद थोड़ा सा गलत दे दिया, या ये नहीं कहना चाहिए था, या कुछ ज्यादा ही पर्सनल चीज शेयर कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी, जिसकी वजह से इंटरव्यू में रिजेक्शन हो गया। ऐसा मेरे साथ हुआ है एक दो जगह पे, तो वहां पे जाके लाइक एक सीख मिली कि आपको सब कुछ नहीं उगल देना है,
कुछ चीजें अपने पास बचा के रखनी है, बट आपको इतना बताना है कि वो काम आपका हो जाए, ट्रस्ट करें काम आपका। में एक चीज आपको बतानी है। राइट हाँ राइट राइट ठीक है, ये आप बहुत अच्छे पॉइंट, मतलब आप काम की बात करो, आप मतलब घुमाओ मत उनको, ये आपका घुमाओ मतलब, टू द पॉइंट आप बात करो उनसे। हाँ करेक्ट रहेगा, ये मतलब ये बेस्ट तरीका है आपका इंटरव्यू में क्रैक करने का। ओके ओके सो बहुत बढ़िया। अब आते हैं मतलब अगले 10 साल में क्या टेक्नोलॉजी आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे क्या क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें अदर देन C++। ये तो जावा, ये तो सारे लगभग सारे कॉलेज वाले करवाते हैं, जावा स्क्रिप्ट सारे करवाते हैं, लेकिन 10 साल नेक्स्ट 10 ईयर्स में क्या होने वाला है, व्हाट्स न्यू, क्या आ रहा है नया, ताकि बच्चे पहले से प्रिपेयर कर लें थोड़ा सा, और कहाँ से करना चाहिए प्रिपेयर ये थोड़ा बताना, बिकॉज बहुत सारे ना फंस जाते हैं इस चक्कर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी आजकल का जो नेक्स्ट 10 ईयर्स में आ रहा है, जो बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक्स अभी करेंट चल रहा है, जिसमें अभी बहुत ज्यादा जॉब के स्कोप्स हैं, वो तो एक हो गया आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंटिस्ट ये तो एमटेक कर या लो, डेटा यहाँ साइंस। इनमें एमटेक कर लो, बढ़िया रहेगा, ऑफलाइन करना है। हाँ, ये तीन, हाँ ये आप इनमें एमटेक कर लो या पीएचडी कर लो, पीएचडी कर ये लो, आपका लाइक बहुत बढ़िया रहेगा। राइट। तो एंड इसमें आपको पाइथन की जरूरत पड़ती है, पाइथन यूज होता है बिकॉज वो पाइथन में ज्यादा इजीली चीजें, उसकी लाइब्रेरी ज्यादा डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू आपका C++ या जावा। जावा उनमें भी लाइब्रेरीज हैं, बट वो थोड़ा सा पाइथन में लिखना ज्यादा इजी है इन सब चीजों को। आप नंबर क्रंचिंग कर रहे हैं, थोड़ा मैथ इंटेंसिव है, पाइथन उसमें थोड़ा सा पाइथन वाइड भी फील्ड है, आप बहुत जगह पर इसका एप्लीकेशन अदर देन कंप्यूटर साइंस और सो मैकेनिकल वो में एप्लीकेशन है इसका। ओवरलैप हो जाता है राइट बेसिकली, राइट राइट तो उसका आपको फायदा मिलेगा। तो पाइथन है, एंड इसको सीखने के लिए तो ऑनलाइन काफी सारे रिसोर्सेज हैं वैसे, बट यूट्यूब अगर आप जैसे एमटेक कर लेते हैं इसमें तो वो बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं तो ओराइली के कुछ बुक्स आते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा, वैसे वहां से सीख सकते हो। नहीं तो एक कैगल .com है, जिसपे आपका मशीन लर्निंग या डेटा साइंस का सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिशन होता है। इसका स्पेलिंग थोड़ा बता दो, कैगल का स्पेलिंग क्या है। कैगल KAGGLE, ओके ठीक मैं है, आपको चैट में लिख देता हूँ। मैं ले लूंगा आपसे, मैं डाल दूंगा, मैं जो स्टूडेंट्स मैं डाल दूंगा। ओके कैगल, हाँ आ गया, kaggle.com देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये वेबसाइट है, इसमें जाके आप जो बता रहे हैं वो आप कर सकते हैं, कंपटीशन जो भी चीज़ें आपका। उसमें, हाँ उसमें ट्यूटोरियल्स भी हैं, एंड उसमें कुछ कुछ कॉन्टेस्ट हैं, तो उसमें बेसिकली कॉन्टेस्ट होते रहते हैं, तो आप पार्टिसिपेट करेंगे जितना उनमें फायदा तो मिलेगा आपको। उतना पकड़ बनेगा। बेसिकली ये डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम जैसी चीज है, ये कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग जैसी चीज है, कि आप जितना ज्यादा प्रॉब्लम सवाल सॉल्व करेंगे तो उतना आपका पकड़ बनेगा इसमें। तो इसमें आप बेसिकली मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स लगा रहे होते हैं, तो आप क्या एल्गोरिदम लगा रहे हो, उस एल्गोरिदम के पीछे का लॉजिक क्या है, वो कैसे काम करता है, ये सारी चीजें आपको लाइक सीखनी पड़ेंगी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बट अगर आप अभी के टाइम पे एज अ फ्रेशर आप अगर देख रहे हो, तो कंपनीज अभी आपसे ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं रखती हैं कि आपको मशीन लर्निंग आता है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है। कंपनी अभी आपसे सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रही है कि आपको वो 5 सब्जेक्ट आते हैं। दैट्स रियली गुड, मतलब आप बेस पर अपना ध्यान दो, बाकी थोड़ा बहुत कंपनी टेक केयर करेगी, अगर आपके अंदर दम होगा तो आप ऑटोमेटिक आप मतलब थोड़ा सा आगे निकल जाओगे। करेक्ट करेक्ट सही है। अच्छा अब बात करेंगे थोड़ा सा आगे का बात, वैसे बहुत से मुझे बोलते हैं कि सर मतलब सबका प्रोज एंड कॉन्स होता है, तो आप 3 साल से कर रहे हो और अच्छे कंपनी में काम कर चुके हो ऑलरेडी, तो आपको क्या लगता है क्या प्रोज है सॉफ्टवेयर फील्ड का, और प्रोज तो डेफिनेटली सैलरी काफ़ी अच्छा है, लाइफस्टाइल अच्छा रहता है, तो प्रोज का भी थोड़ा बता दो आप, कॉन्स तो मैं जानना चाहूंगा, कॉन्स आपसे जानना चाहूंगा, प्रोज तो मुझे बहुत सारे पता है, कॉन्स एग्जैक्टली कुछ पता है मुझे, बट मैं माइक्रोसॉफ्ट वाला मुझे पता नहीं, ये आप मुझे बताना, माइक्रोसॉफ्ट या फिर अमेजन वाला जो मैं बात करा वो उन्होंने मेरे को सही आंसर दे नहीं पाए, मुझे लगा थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दिए, थोड़ा सा आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो मुझे बताओ, और हमारे व्यूवर्स को भी पता लगेगा क्या कौन है, प्रोज भी बता दो कौन भी बताओ, दोनों चीज बताओ आप। तो देखिए, प्रोज के नाम पे तो जैसे आपने कहा सैलरी अच्छी मिलती है, अगर आप प्रोडक्ट कंपनी में दैट्स हैं, राइट राइट आपका वर्क लाइफ बैलेंस काफी अच्छा रहता है, बट ये थोड़ा आपका टीम और कंपनी डिपेंडेंट रहता है, बट जनरली आपका मंडे टू फ्राइडे टाइप से रहता है, सैटरडे संडे आपको ऑफ मिल जाता है। उसके अलावा आपकी एक अच्छी काइंड ऑफ रेप्यूटेशन होती है विद इन द कम्युनिटी एंड एवरीथिंग, तो ये सारे इसके लाइक प्रोज है। एंड अगर आप बहुत ज्यादा पैशनेट है अबाउट टेक्नोलॉजी, तो ये फील्ड आपके लिए है बेसिकली, लाइक ये बना बनाया है कम्प्लीटली आपके लिए। बट अगर मैं कॉन्स की बात करूं इसमें, कॉन्स में आपका कभी कभार थोड़ा सा काम स्ट्रेसफुल हो जाता है, थोड़ी डेडलाइंस कभी आते हैं, तो
ये लाइक हर कंपनी का अलग अलग पॉलिसी रहता है, तो जैसे कुछ कंपनीज में ज्यादा काम रहता है कम टाइम रहता है, तो उसमें आपका डेडलाइन ऑफ कोर्स जल्दी आएगा तो आपका ज्यादा स्ट्रेस रहेगा। कुछ कंपनीज में वो कहते हैं कि यार आराम से आप काम करिए, तो उसमें फिर आपको उतना स्ट्रेस नहीं रहता है, तो वो डेडलाइन उतना नहीं रहता है। तो उसके हिसाब से कभी कभार होता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हो तो वो पुश बैक हो गया, तो आपने काफी मेहनत की एक प्रोजेक्ट पे, 1 महीना 2 महीना लगाया, बट पता चला कि वो अब आगे नहीं डिलीवर हो रहा है या प्रोडक्शन में नहीं जा रहा है, वो प्रोजेक्ट अब आपको स्क्रैप कर दिया, नए प्रोजेक्ट पे आपको काम मिल रहा है। तो अगर वैसा कुछ होता है तो फिर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन तो आता है कि यार इतनी मेहनत की हमने, इतना कोड लिखा, इतना दिमाग लगाया, उसका कुछ वो अंदर से इनर सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, वो एक कॉन रहता है। एंड दूसरा एक तो अगेन वो कंपनी डिपेंडेंट है कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस काफी ज्यादा वो हिट हो जाता है अगर आप सपोज ऑन कॉल रहते हैं। तो अगर आप कुछ कंपनीज में ऑन कॉल पॉलिसी रहता है जिसमें होता है कि आपको कस्टमर के प्रॉब्लम सॉल्व करने रहते हैं, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में कुछ कुछ कंपनीज कहते हैं कि वो 24/7 आपको करना है, 7 days a week, एक हफ्ता का आपका पूरा रोटेशन लगेगा, तो उसमें वो कभी भी बच सकता है आपका पेजर। जैसे आपके रात के 2 बजे बज गया, सुबह के 2 बजे, तो आपकी नींद खराब हो गई, एंड अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे विद इन 5 मिनट्स तो आपके मैनेजर का वो बजेगा फिर, नोटिस हो जाएगा, एंड मेमो आ जाएगा, धीरे धीरे, हाँ धीरे देखने धीरे करते पड़ेगा। करते वो एस्केलेट हो गया। हाँ तो राइट। आपके मैनेजर, मैनेजर का मैनेजर और फिर उसका सीनियर मैनेजर, तो करते करते फिर मतलब आपकी लंका लग गई बेसिकली। राइट, सही बता रही हूँ। तो यहाँ पे जब वो ऑन कॉल रहते हैं तब थोड़ा सा वो स्ट्रेसफुल हो जाती है चीजें, क्योंकि आपको अपना काम भी करना है, आपको वो सारे इश्यूज भी रिजॉल्व करने हैं, एंड आपका जो प्रोजेक्ट है उसका डेडलाइन तो आपका रहेगा ही रहेगा, तो ये सारी चीजों को थोड़ा मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। बट अगर आप लाइक टिके रहेंगे एंड तो वो विथ टाइम थोड़ा सा इजी हो जाता है, मतलब आप यूज टू हो जाते हैं उसके, बट यहाँ पे लाइक वो ऑन कॉल में थोड़ा सा वो दिक्कत आता है, तो ये एक काइंड ऑफ कॉन रहेगा। प्लस एक और कॉन ये रहेगा कि आपकी टेक्नोलॉजी हमेशा चेंज होती रहती है, तो आपको हमेशा अप टू डेट रहना पड़ेगा चीजों के साथ, तो ये ऐसा रहेगा कि ये जैसे लगता है कि यार एक बार जॉब में आ गए तब तो फिर पढ़ाई वढ़ाई अब नहीं करनी, अब तो कमाना है और ऐश करना है, राइट, बट ऐसी बात ऐसा नहीं नहीं है, है। आप ऐसा नहीं है। अब आपको कल को कोई नया प्रोजेक्ट दे दिया जिसमें कंप्लीटली कोई दूसरे फ्रेमवर्क यूज हो रहा है या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो वो आपको टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, उसका फ्रेमवर्क सीखना पड़ेगा, और वो फिर आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो आप कॉन्स्टेंटली सीख रहे हो, कुछ ना कुछ नया आपको सीखते रहना पड़ेगा। कल को जैसे AI अभी आ रहा है तो आपको AI सीखना पड़ेगा, मशीन लर्निंग आ रहा है वो सीखना पड़ेगा, तो वो एक पॉइंट का थोड़ा लोगों को लगने लगता है कि यार कितना पढ़ाई करें, लाइक इतना तो पढ़ाई कर लिया यार, 4 साल की इंजीनियरिंग कर ली, M.Tech भी कर लिया, अब कितना पढ़े, जब देखो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो वहां पे थोड़ा सा आ जाता है, तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ कॉन रहेगा। बट कुछ लोग इसको प्रो की तरह भी मानते हैं कि यार हमें सीखने को मिल रहा है ऑन द कंटिन्यूअस जॉब, लर्निंग है, बढ़िया है। कंटिन्यूअस लर्निंग है, तो ये बेसिकली आप इसको किस वे में लेना चाहते हैं ये उस पर राइट। आएगा कि आप इसको एज अ प्रो लेंगे तो आपका फायदा है, कौन लेंगे तो ये आपका नुकसान टाइप से है, तो ये सब है इसमें। ओके ओके। अच्छा, जैसे मान लो आप काम करते हो, काम करते करते मेरे को भी डिमोटिवेशन आता है, सबको आता है, तो आप लोग क्या करते हो डिमोटिवेशन जब आता है, क्या करते हो, यूजुअली क्या करते हो, और आप क्या रिकमेंड करते हो करने के लिए? बिकॉज जब डिमोटिवेशन होता है, मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है बाहर जाके क्या करते हैं लोग, इवन जब ब्रेक मिलता है, चाहे आप कोई बड़े कंपनी बोलो या फिर वो कंसल्टेंसी फर्म बोलो या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बोलो, तो आप लोग इन जनरल क्या करते हो जो हम बता सकते हैं बच्चों को, राइट, और क्या करना चाहिए एक्चुअली जब डिप्रेशन आता है निकलने के लिए? तो देखिए जब आपका ये डिप्रेशन जैसा रहता है, अगर आप काम करते करते थोड़ा डिप्रेस हो गए, नहीं हुआ या नहीं बन रहा है, चीजें नहीं हो रही हैं, तो हमेशा मतलब वो होता है कि आप उस काम को छोड़ दीजिए अभी के लिए, ब्रेक ले लीजिए। तो अब ब्रेक में जाके आप बेसिकली चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, अपना दिमाग ठंडा करिए बेसिकली, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो जाता है कि चीजें नहीं हो रही है, तो उनको फिर डिप्रेशन में चला जाता है कि लगता है कि यार मुझसे कुछ हो ही नहीं सकता है, मैं इस लायक नहीं हूँ, एंड वो सारे बहुत सारे वो नेगेटिव थॉट्स आपको आने लगते हैं, वो उसमें आप बेसिकली ब्रेक लीजिए, चाय कॉफी अपना पीजिए, टी खेल सकते हैं, टी टी पूल, तो वो सब आप खेल लीजिए, तो इन सब का आपको बेसिकली फायदा होगा, तो आपका अपना दिमाग बेसिकली ठंडा करना है, तो वो आपको किसी और चीज के बारे में सोचिए, नॉट मतलब काम के बारे में बिल्कुल मत सोचिए,
राइट, मैं एक 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 लाइन का आंसर बता रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं जो खराब लगता है, डिप्रेशन होता है, मैं चुपचाप के सो जाता हूँ, चद्दर तान के सो जाता हूँ, चलो कुछ करना नहीं है, क्योंकि मेरे भी होते हैं कुछ अगर आप प्रोजेक्ट चल चाहें नहीं तो रहते फिर हैं, आप ये काम कर सकते मैं सो हैं। जाता हूँ जाके या फिर कुछ जो भजन होते हैं ना, जो जोर जोर से गाते हैं, वो लगा लेता हूँ और सो जाता हूँ, चलो। तो फिर कुछ टाइम बाद फिर थोड़ा रिचार्ज होता है, वापस आता हूँ फिर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, मतलब ऐसा नहीं होता है फेलियर आपकी वजह से होता है, क्योंकि आपके जो साथ काम करते हैं उनके वजह से ही फेलियर आता है, कि वो टाइम पे काम करके दे नहीं रहे, तो आपको फिर झेलना पड़ता है आपके जो आगे हैं उनके लिए। राइट, ग्रेट। सो काफी बढ़िया चीज बताया आपने। अब पूछेंगे जी, आपके लाइफ में कोई 3 मिस्टेक बताओ जो आपने करे, 3 मिस्टेक्स, और उन मिस्टेक्स को कैसे तीन अवॉइड किया जा सकता है, मतलब अकॉर्डिंग टू यू, मिस्टेक कॉलेज लाइफ से अगर अब तक की बात करें तो 7 साल कॉलेज में। लाइफ से, ठीक है चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहला मिस्टेक जो मेरा था प्लेसमेंट के टाइम पे, थर्ड ईयर में इंटर्नशिप जब आती है कंपनीज, तो उसमें मेरा पहला गलती ये था कि मैंने सिर्फ डीएस एल्गो पे फोकस किया था, एंड ये जो बाकी 4 सब्जेक्ट्स मैंने बताया मैंने उन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो मेरे टेक्निकल राउंड तो निकल गए, बट जो जहाँ पे वो ये सारे सब्जेक्ट्स का पूछते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताओ या नेटवर्क्स के बारे में बताओ, उन सब में मैं बिल्कुल गोल था, तो वहाँ पे मुझे स्ट्रेट रिजेक्ट कर दिया इन सारी कंपनीज ने। तो वो मेरी पहली गलती थी। तो उसके बाद मुझे लगा कि यार खाली कोडिंग करने से नहीं होने वाला है, तुम्हें और भी चीज़ें आनी चाहिए, तो खाली कोडिंग से नहीं होगा। तो वो मेरी पहली गलती थी जो मैंने काइंड ऑफ कॉलेज में की थी। उसके बाद बाकी तो दूसरी गलती शायद मेरी ये हो सकती है कि जैसे मैंने अमेजोन में इंटर्नशिप किया था, तो अमेजोन में उस वक्त हायरिंग फ्रीज था, तो जिसकी वजह से मेरा कन्वर्जन नहीं हुआ, और उसके बाद तो मुझे जॉब्स को ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आई थी, क्योंकि अगस्त का टाइम था और उस वक्त सारे नए ग्रेजुएट्स कंपनीज को ज्वाइन करते हैं, तो कंपनीज में फ्रेशर ओपनिंग्स नहीं होती है, और फिर उस वक्त जॉब ढूंढना, अलग अलग जगह पे मैं अप्लाई कर रहा था, मैं काफी परेशान हुआ अच्छा था। है, ये अप्लाई कैसे कर रहे थे आप? ये अप्लाई मैं बेसिकली लिंक्डइन पे कर रहा था, लिंक्डइन एक है, नहीं तो कंपनी का करियर वेबसाइट है वहां ठीक पे, नहीं तो naukri.com का पोर्टल था, ठीक है। तो ये 3-4 वेबसाइट्स जो है, नौकरी, इंडीड, तो इन सब में जा जाके मैं अप्लाई कर रहा था। तो हर एक कंपनी का अपना करियर पोर्टल पे कर रहा था, नहीं तो किसी से रेफरल मांग रहा था, तो ये सब मैंने किया था। बट फिर मेरे पास अपने आप ही काइंड ऑफ कॉल आ गया था ZS से, और फिर उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुला लिया और फिर वो क्लियर हो गया। तो वो मे भी मेरा सेकेंड गलती था। और उसके बाद थर्ड गलती मैं बोलूँगा वो शायद ये था कि मतलब गलती, मतलब मैं कैसे बताऊँ, जैसे ठीक है, जैसे मुझे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था, तो जैसे अमेजोन में मैंने काम किया था 6 महीना और मुझे टेक्निकल काम अच्छा लगा, बट मुझे कॉलेज में किसी ने सजेस्ट किया था कि मेरा प्रोफाइल एक कंसल्टेंसी फर्म के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। मैंने मैथ के थोड़े बहुत ओलंपियाड्स में भी पार्टिसिपेट किया था एंड कुछ कुछ मैंने जीता था, तो उन्होंने कहा कि तेरा कोडिंग अच्छा है, मैथ अच्छा है, तो कंसल्टेंसी फर्म्स में भी देख लेना। तो मैंने कंसल्टेंसी ज्वाइन किया, बट वहाँ पे मुझे काम करके फिर उतना मज़ा नहीं आया, तो वो ज़्यादा टेक्निकली चैलेंजिंग नहीं था कंपेयर टू जो कि मैंने काम जैसे अमेजोन में किया या अडोबी में किया या माइक्रोसॉफ्ट में मैं कर रहा हूँ। तो वो फिर मुझे लगा कि यार कंसल्टेंसी फर्म ज्वाइन करके थोड़ी सी शायद गलती कर दी, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए फिर से मुझे सिर्फ जॉब में 4-5 महीने ही हुए थे, मैं दोबारा ढूंढने लग स्विच गया कि करा मुझे पिच करना है। तो करते करते मुझे अडोबी से एक ऑफर आया और मैंने अडोबी ज्वाइन कर लिया। राइट। मतलब बेसिकली आप इसके हिसाब से बता रहे हैं कंसल्टेंसी फॉर्म से बेटर है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाओ, मतलब फ्यूचर ग्रोथ अच्छा रहता है अकॉर्डिंग टू। अगर आप टेक्निकली काम टेक्निकल काम ढूंढ रहे हो, राइट तो राइट राइट, अगर आपको कंसल्टेंसी का काम पसंद आ रहा है तो या तो कर आपको सकते हैं। क्लाइंट हैंडल करना है, उसके लिए फिर आप कंसल्टेंसी फर्म चाहिए, वो वहाँ पे दैट इज अ बेटर चॉइस। वो आपके बेसिकली उस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है काम। मतलब किसके लिए आप पैशनेट हो। अच्छा, ये पैशन हाँ वाला पता लगेगा कॉल, मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है बच्चों को, कि
पैशन पता लगता है कॉलेज में काम करके या फिर इंटर्नशिप के टाइम, कि आप किसके लिए पैशनेट ज्यादा हो। देखिए, इसका तो मैं जवाब यही दूंगा कि जो पैशन है वो आपको ढूंढना पड़ेगा, एंड कॉलेज में आपके पास टाइम रहता है ढूंढने के लिए। ऑल दो लगता है कि यार इतने सारे असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स हैं तो टाइम तो नहीं है, बट मैं अभी यहाँ बैठ के मैं बोलूंगा कि नहीं, कॉलेज में काफी टाइम रहता है। एक बार ऐसा नहीं कंपनीज में आ है, जाओ, कंपनीज टाइम बहुत कम लगता है, सही में बात है। खत्म हो जाता है टाइम। तो वो पैशन वाली चीज आप कॉलेज में एक्सप्लोर कर सकते हैं ज्यादा अच्छे से, कि आपको अगर मान लीजिए आपको सडनली लगा कि यार मुझे नेटवर्क्स काफी अच्छा लग रहा है पढ़ के, मुझे नेटवर्क्स में कुछ करना है, तो आप अपने प्रोफेसर से बात करिए, कुछ प्रोजेक्ट्स लीजिए, उस पर काम करिए। काम करने के बाद आपको लगा कि नहीं यार ये उतना भी अच्छा नहीं है, मुझे इसमें नहीं करना है, मुझे मे भी किसी और चीज में करना है, किसी और फील्ड को एक्सप्लोर करना है, तो वो सब काम मल्टीपल फील्ड में जब तक एक्सप्लोर नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे आपका इंक्लिनेशन जा रहा है। बाहर से तो आप 10 लोगों से पूछेंगे वो 10 अलग अलग जवाब दे देंगे, जैसे मैंने आपको AIML बता दिया मेरे हिसाब तो। बट आपको अगर AI में आपने काम किया और आपको नहीं पसंद आया तो क्या करोगे फिर? फिर आप क्या करोगे? सही आपने बात है, कंपनी ज्वाइन कर ली, अब आप राइट। वहां पे 10 घंटे 12 घंटे काम कर रहे हो तो स्विच कैसे मारोगे? सही बात है। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, बहुत जैसे मैकेनिकल में बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, तो कंप्यूटर साइंस में बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं हर फील्ड का। तो एक तो है कि आपको पसंद है जा रहे हो, अगर हम बात करें ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू, तो कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट है ग्रोथ के लिए? ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा डिपार्टमेंट है? अच्छा, आपका क्वेश्चन काइंड ऑफ थोड़ा सा बीच में कट हो गया था, हाँ नहीं, बोल रहा हूँ सॉरी। कि जैसे वो नेटवर्क कनेक्शन कुछ प्रॉब्लम होगा, मैं हाँ रिपीट करता हूँ, जैसे मैकेनिकल के बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, राइट? तो कंप्यूटर साइंस में बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू योर फील्ड, राइट? तो कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट होता है अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें, तो जिस फील्ड में आप हैं? तो इसमें कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट होता है या ग्रोथ पॉइंट ऑफ इंजीनियरिंग व्यू। से पूछ रहे हैं? हाँ तो इंजीनियरिंग में तो देखिए आपका दो रहता है कंप्यूटर का ब्रांच, एक तो कंप्यूटर साइंस रहता है, दूसरा एक IT रहता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सिस्टम ब्रांच रहता है। एंड दोनों के बीच में डिफरेंस बस ये रहता है कि कंप्यूटर साइंस में आपको कंप्यूटर्स का हार्डवेयर आर्किटेक्चर वो सब भी पढ़ाते हैं, एंड सॉफ्टवेयर साइड में आपको थोड़ा प्रोग्रामिंग कराते हैं। आपका IT में कम्प्लीटली वो सॉफ्टवेयर साइड जाते हैं, तो जहाँ पे आपका हार्डवेयर से कुछ नहीं सिखाते हैं बट आपको पूरा वो लिनक्स विनक्स वो सब बिल्कुल पूरा सारा। पढ़ाते हैं। तो ये दोनों इक्वली अच्छा है फील्ड, बट ये बेसिकली इस पर डिपेंड करता है कि आपको किस साइड पे जाना है। अगर आपको हार्डवेयर में इंटरेस्ट है तो आप कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग करिए, कंप्यूटर करिए। साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो वो इंजीनियरिंग पार्ट आपका है जो हार्डवेयर पार्ट है और जो साइंस पार्ट है वो सॉफ्टवेयर पार्ट है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कोडिंग में ज्यादा मजा आता है तो आप कंप्यूटर साइंस करिए फिर, क्योंकि आपका IT वाला जैसे ब्रांच होता है, क्योंकि जब कंपनीज आती हैं कॉलेज में तो वो कंप्यूट CS और IT दोनों को तो लेती है। एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में तो यही था कि CS और IT था, खाली CS कोई भी कंपनी नहीं आई थी। राइट राइट। तो अगर कोडिंग के लिए अगर कोई आ रही है अच्छा, तो उस सॉ हिसाब हाँ बताइए बताइए। से, तो उस हिसाब से अगर आप अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखते हैं, ROI, कि आपने कॉलेज में 4 साल की पढ़ाई की एंड उसके बाद अगर आपकी जॉब किसी अच्छी कंपनी में लग गई जहाँ पे आपका से 10-12 लाख का आपको पैकेज मिल रहा है, तो वो आप ऑलमोस्ट 1-2 साल में अपना पूरा कॉलेज का फीस कवर अप कर सकते हो राइट। आराम से। अच्छा, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट अच्छा है या सॉफ्टवेयर जो डेवलपर होता है वो अच्छा होता है, दोनों में कुछ डिफरेंस है मेरे आपके हिसाब से क्या है? दोनों एक्चुअली मोर और लेस सेम ही है मेरे हिसाब से। सॉफ्टवेयर डेवलपर बेसिकली वो होता है जो थोड़ा लोअर लेवल पे, जैसे हम लोग राइट, हैं अभी इंजीनियर्स आर्किटेक्ट हैं थोड़ा सा तो हम लोग ऊपर कोड है, लिखते हैं, आर्किटेक्ट सीनियर लेवल पे हो गया कि राइट। अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, बड़ा सा प्रोजेक्ट है जैसे माइक्रोसॉफ्ट का आप अज्योर ले लीजिए कि क्लाउड है, तो वो आर्किटेक्ट आपका बेसिकली पूरा डिजाइनिंग करेगा कि राइट, आपका सॉफ्टवेयर का डिजाइन कैसे बनेगा, उस डिजाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जैसे हम डेवलपर लोग हैं होता है, राइट। डेवलपर्स तो हम लोग डेवलप करेंगे उसको उस डिजाइन के हिसाब से। तो आर्किटेक्ट का एक विजन रहता है, तो उस विजन के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। तो कितने साल? जैसे अभी मैं ग्रो करूंगा तो आप ही अगले आर्किटेक्ट 3 साल बनेंगे बाद, तभी सैलरी बढ़ेगा ना, आर्किटेक्ट में अच्छा सैलरी और होता है, हाँ उसमें और अच्छा सैलरी होगा। तो राइट। आप जैसे जैसे ग्रो करेंगे 10-12 साल 15 साल के बाद, तो फिर वो आर्किटेक्ट लेवल आपको आएगा, तो उसमें फिर आप पूरा वो ब्रेन चाइल्ड को आपका पूरा प्रोजेक्ट आप ओन करेंगे, तो आपके नीचे जो इंजीनियर्स होंगे तो वो कोड लिख रहे होंगे, आप बताएंगे कि आप ये मॉड्यूल को संभालो, आप इसको देखो आप उसको देखो, ऐसे करते करते फिर वो रहता है। ओके,
सो लास्ट क्वेश्चन, एंड थोड़ा लेंदी हो गया, 35 मिनट्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट बात करते करते। लास्ट क्वेश्चन, क्या एक टिप्स देना चाहेंगे बच्चों को, चाहे कोई भी इंजीनियर है कोई भी स्टूडेंट है, एक सिर्फ टिप देना चाहेंगे जो उनका लाइफ में इम्पैक्ट डाले, कम से कम 5%। देखिए, मेरा हमेशा से एक कोटेशन था जिसको मैं प्लीज प्लीज बहुत बताइए बताइए मानता बताइए बताइए बताइए। हूँ, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। यहाँ पर इन्होंने कोटेशन तो बताया, सिर्फ एक लाइन पर ध्यान मत देना, दूसरे लाइन पर भी ध्यान देना, राइट? नहीं तो पता लगा टैलेंटेड लोग को बोलेंगे अरे हम तुम्हें बीट कर सकते हैं, लेकिन बीट तभी कर पाओगे जब आप मेहनत करोगे, वो मेहनत नहीं मेहनत करेगा, करोगे आप? राइट? हाँ या फिर वो मतलब वो मेहनत उससे ज्यादा मेहनत करोगे तभी बीट कर पाओगे, सिंपल सी बात। जो टैलेंटेड है, ये मेरा कंप्यूटर का इवन वॉलपेपर भी है। ओह ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस, एंड व्यूअर्स लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए। अगले अमेजिंग और एक वीडियो आ रहा है, कल शूट करेंगे उसका, राइट? सो